आज मैं देखिए ये इस तरह का पैटर्न मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये देखिए इस पैटर्न को बनाने का प्रोसेस जो है एकदम यूनिक सा है। ये यूनिक जो है आपको वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखें और ये पैटर्न बनाना सीखें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं 30 फंदे ली हुई हूँ और 30 फंदे में मैं बेसिक 2 रो को बना चुकी हूँ, राइट साइड से सीधा बुनाई और रॉन्ग साइड से उल्टा बुनाई। तो चलिए आगे हम पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट के हम 2 फंदे साइड से हम प्लेन बुन लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से 2 फंदे हैं, तो पहले हम इस फंदे को इस तरह से देखिए ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट किए हुए 2 फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनाएंगे। इसके बाद अब देखिए इस तरह से बैक साइड से अब हम लेंगे, बैक साइड से सेकंड नंबर फंदे को फर्स्ट में लाएंगे और फर्स्ट वाले फंदे को सेकंड में लाएंगे और इस तरह से फिर हम सीधा बुन लेंगे। दो फंदे बुनने के बाद फिर एक फंदा सीधा बुनाई कर लेंगे। फिर देखिए अब ऐसे सामने से देखिए ये फंदे सेकंड वाले फंदे को फर्स्ट में लाएंगे और फर्स्ट वाले फंदे को सेकंड में देकर रख कर ऐसे बुन लेंगे। दो फंदा फिर एक फंदा और सीधा। अब हम बैक साइड से लेंगे, बैक साइड से इस तरह करेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर एक बार मतलब इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हुए राइट साइड की रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से। फिर अब हम बैक साइड से लेंगे, दो फंदा बुनने के बाद एक फंदा और हम सीधा बुन लेंगे। फिर हम बैक साइड से लेंगे फंदे को इस तरह से। देखिए ये 2 फंदे बुनाई करने के बाद एक फंदा फिर हम और सीधा बुन लेंगे। फिर से अब हम एक बार फ्रंट से एक बार बैक से दोनों साइड से एक एक फंदे हम उसे पलटते हुए बुनाई करेंगे। 2 फंदा फिर एक फंदा और सीधा। देखिए अब फिर हम बैक साइड से लेंगे। इस तरह से रो नंबर 2 रॉन्ग साइड से हम पूरा सारे फंदे को हम उल्टा बुनाई करते हुए पूरा कर लेंगे और फिर जब राइट साइड में आएंगे इस तरह से हम 5 रो और कंप्लीट करेंगे। ये रॉन्ग साइड वाले 1st रो हुए, फिर राइट साइड से प्लेन सीधा सीधा बुनाई करेंगे 3rd 2nd रो, फिर 3rd रो में उल्टा, 4th रो में सीधा और 5th रो में फिर उल्टा बुनाई करते हैं। फिर 6th रो में जब हम आएंगे तो राइट साइड, फिर हम उस पैटर्न को रिपीट करेंगे जो हम 1st रो में बनाए हैं उसे 6th रो में हम फिर कंप्लीट रिपीट करेंगे। फाइव रो कंप्लीट करने के बाद ये देखिए इतना बन चुका है। तब देखिए जब 1st रो की बुनाई हम किए थे, ये देखिए इस तरह से ये लूप दिख रहा है नीचे में, बहुत हल्के से दिखते हैं इसमें, ये देखिए ये लूप दिख रहा है। तो 1st रो जब हम बनाए थे तो 2 फंदे पहले हम सीधा सीधा बुने थे। उसके बाद ये फ्रंट साइड से हम पहले फंदे को फ्रंट साइड से सेकेंड वाले फंदे को हम फर्स्ट में लाए थे। तो अब हम जब 7 रो में आएंगे तो देखिए पहले अब हम बैक साइड से 1st रो को फर्स्ट फंदा को सेकंड में लाएंगे और सेकंड वाले को फर्स्ट में लाएंगे। 2 फंदा बुनने के बाद एक फंदा और सीधा बुन लेंगे। फिर देखिए फ्रंट से फर्स्ट वाले को सेकंड में और सेकंड वाले को फर्स्ट में लाएंगे फंदे को। फिर इस तरह से हम 2 फंदे की बुनाई कर लेंगे।
एक फंदा और सीधा बुन लेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पर जब फर्स्ट रो बनाए थे तो यहाँ पर देखिए ये वी शेप में दिख रहा है, और जब हम यहाँ पर सेवंथ रो में आए तो यहाँ पर ऐसे ए शेप में दिख रहा है। इस तरह से ये एक सर्कल बन रहा है, आप देख पा रहे हैं, हल्के से दिख पा रहे हैं, इसे एक सर्कल बन रहा है। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। फिर देखिए यहाँ पर बन गया। अब हम इस बार बैक साइड से लेंगे, इस तरह से फंदे को ट्विस्ट करते हुए दो फंदे हम बुन लेंगे, एक फंदा और बुनेंगे। इस बार हम फिर अब सीधे साइड से इस तरह से करेंगे। ये टोटल जो मैं सेवन रो बता रही हूँ, सेवन रो को ही इस तरह से रिपीट करना है, और जितने बड़े आपको बनाना है प्रोजेक्ट आप उस तरह से बनाते जाएंगे। फिर देखिए इस तरह से, देखिए नीचे से वी शेप दिख रहे हैं और ऊपर से इस तरह ए शेप, इस तरह से एक राउंड शेप दिख रहा है। बस इसी राउंड शेप को आपको ध्यान में रखना है और राउंड शेप आपको बनाना है। ये देखिए रो नंबर सेवन भी मेरा कंप्लीट हुआ, और वो देखिए इस तरह से हम बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये राउंड शेप में दिखाना है। बहुत हल्के से दिखते हैं। ये देखिए इस तरह से ये लूप दिख रहा है, इस तरह से ये लूप, और फिर ऊपर से ये वाले, और फिर ये वाले देख रहे हैं। तो इसी सेवन रो को रिपीट करते हुए आप जितने बड़े बनाना चाहते हैं उसे बना लेना है। फिर आगे देखिए क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ। आगे बनाने के बाद ये कुल देखिए इस तरह से टोटल इस तरह से देख पा रहे हैं हम लोग। अब इसे देखिए आगे का प्रोसेस क्या करना है। इसमें देखिए वी शेप और ए शेप, ये दो शेप का मैं बराबर चर्चा कर रही हूँ। तो उसमें देखिए क्या करना है, जो ए शेप है उसमें ध्यान में रखना है आपको। देखिए पहले देखिए ये दो फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए ए शेप वाले ये लूप जो दिख रहे हैं हम, जो ट्विस्ट किए हुए ये फंदे हैं देख रहे हैं, उसके पहले जो एक फंदे आते हैं इसे हमें छोड़ देना है। देखिए उसके बाद एक दो और ये तीन फंदे की हम बुनाई कर लेंगे। फिर इस फंदे को हम छोड़ेंगे, इसे ड्रॉप कर देना है इस फंदे को। फिर से हम एक फंदा बुनेंगे। आप इतना बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो ए शेप आप देख पा रहे हैं, ये ए शेप जो दिख रहा है इसके दोनों साइड बीच वाली ये तीन फंदे को छोड़कर ये फंदे और ये फंदे को हमें ड्रॉप कर देना है। ये शेप बनने में जो ये तीन फंदे लगते हैं, ये तीन फंदे को निडल पर ही रखना है, और ये दोनों साइड से जो ये एक फंदे ये
और एक फंदी ये है, इसे ड्रॉप कर देना है। देखिए उसके बाद फिर हम तीन फंदे को हम ए शेप वाले ये तीन फंदे जो हैं इसे बुन लेंगे, फिर उसके साइड वाले फंदे को ड्रॉप कर देंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे। फिर देखिए ये ए शेप देख पा रहे हैं हम लोग, ये और ये, इसे हम ड्रॉप कर देंगे और ये तीन फंदे को हम फिर से बुन लेंगे। ड्रॉप करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे। फिर देखिए यहाँ पर ए शेप देख रहे हैं, ए शेप में ये तीन फंदे आ रहे हैं, तो ये पहले फंदे को हम देखिए इस तरह से ड्रॉप कर देंगे और ये तीन फंदे को हम बुन लेंगे, एक दो और ये तीन। फिर एक फंदा, ये वाला फंदा हमारा ड्रॉप होगा, एक फंदा बुनेंगे। फिर ये देखिए ए शेप देख रहे हैं, इसके साइड वाले दोनों साइड वाले फंदे को हमें ड्रॉप कर देना है इस तरह से। तीन फंदा ए शेप वाले को हम बुन लेते हैं, फिर ये साइड वाले फंदे को ड्रॉप करेंगे और इधर साइड में हम सारे फंदे, इधर ए शेप नहीं है इसीलिए हम सारे फंदे को बुन लेंगे। अब देखिए क्या करना है, जितने भी फंदे हमने ड्रॉप किए हैं सारे फंदे को खोलना है। देखिए पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम इस तरह से ये फंदे हैं, इस फंदे को खोलना है। इस तरह से देखिए हम ऊपर से नीचे तक खोल लेंगे, इस तरह से एक दूसरे निडिल की हेल्प से इस तरह से खींचते जाएंगे और ये फंदे खुलते जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ तक खुल गया। देखिए मैं अभी एक फंदे ही यहाँ खोली हूँ, तो ये इस तरह से देख पा रहे हैं हम लोग। इसी तरह जितने भी फंदे मैं ड्रॉप की हूँ सारे फंदे को आप बारी बारी से खोल लेंगे, आराम से खुल जाता है, दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह से आप ये देखिए इस तरह से खुल रहे हैं, इस तरह से जितने भी फंदे हैं मैं ड्रॉप की हुई हूँ सारे फंदे को मैं खोलूंगी। जितने फंदे हम ड्रॉप किए थे सारे फंदे को हम देखिए इस तरह से खोल चुके हैं, और खोलने के बाद ये देखिए ये पैटर्न इस तरह से बनकर तैयार है। तो पैटर्न बनाना इतना यूनिक है ना, बुनिए खोलिए और फिर ये पैटर्न बनकर तैयार हो गया। तो देखिए ये पहले हम इस तरह से बनाए और फिर एक एक फंदे को बीच से ड्रॉप करते हुए करने के बाद खोलने के बाद ये पैटर्न इस तरह से बनकर तैयार हुआ। तो प्लीज़
यदि आपको ये पैटर्न पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।